कंधे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत देखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के कजरे ने, सुबहों ने चलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना। घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चकते झूलों में, बहकते फूलों में, चटकती कलियों में, और पूछा है गांव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गांव सूना सूना है। Oh, oh, oh.
बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ, यही हरकत में पूछे मेरी माँ, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है, संदेश आते हमें कर पाते हैं, किसकी आती है वो मुझे जाती है, तो घर कब आओगे, तो घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मैं वापस आऊंगा गड़बने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, जंग तो चंद राज होती है, जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है।
पर फुलकारेगा। कब तक नफरत का ये अजगर, कब तक नफरत का ये अजगर। इस सरहद पर फुलकारेगा, कब तक नफरत का ये अजगर। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं। जब दोनों ही की गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। आखाए कसम जंग नहीं होने पाए, आखाए कसम अब जंग नहीं होने पाए। और उस दिन का रास्ता देखे जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन, भी वतन मेरा भी वतन, मेरा भी वतन तेरा भी वतन, तेरा भी वतन मेरा भी वतन। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे मेरे भाई मेरे हमसाए। लगता है जय
जा रही है। नई रुत की मुहूर्त हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है,
से पहले सांसों में आंखों में ख्वाबों में यादों में और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं तो चलूं
हिंदुस्तान वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा, सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।
करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार से टकराकर वापस जाते थे जो 1962 में हुआ, वही सन 65 और वही 71। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ा।